आज हम लोग देख रहे हैं इंटरवल्स, रियल नंबर को आप किस तरह से इंटरवल्स में लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल होता है द इंटरवल विच इंक्लूड्स इंड पॉइंट्स। इंड पॉइंट से मतलब क्या हो गया कि जब आप इसको इंटरवल में लिखते हैं, क्लोज इंटरवल का साइन होता है बिग ब्रैकेट का, इसके भीतर आपको नंबर्स लिखा रहेगा, जैसे ए बी लिखा हुआ है नंबर, तो इसका मतलब है आपको ये फ्रॉम ए टू बी है, यानी ए और बी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, ए और बी इंक्लूडेड है। जैसे यहाँ पर हमको देख रहा है एक्स ग्रेटर इक्वल ए लेस इक्वल बी, तो इक्वल जहाँ भी आ रहा हो, ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल, तो वो क्लोज्ड इंटरवल होता है। ठीक है, जैसे हमको 3 से 10 लिखा है, मतलब हमको नंबर देखना है फ्रॉम 3 to 10। अगर आप इसको नंबर लाइन पे देखेगा तो नंबर लाइन पे इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया, 3 से 10 तक एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 3 से 10 तक एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, ये वाला, और दोनों तरफ एक सर्कल्स बना के इसको सेड कर देंगे। क्लोज इंटरवल को क्या करते हैं हम लोग, सेड करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लोज इंटरवल। सेकेंड होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होगा, तो ओपन इंटरवल में द इंटरवल विच एक्सक्लूड्स इंड पॉइंट्स एंड डिनोटेड बाय ए बी, तो ये हो गया ग्रेटर इक्वल, सॉरी ग्रेटर या लेस, इक्वल इसमें नहीं आएगा। तो अगर ए बी आपको लिखा हुआ, इसका मतलब फ्रॉम ए, सॉरी नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। सेम एग्जांपल है 3 से 10, ये स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होता है। तो 3 से 10 अगर लिखा हुआ है तो नंबर्स हमको देखना है क्या, बिटवीन 3 एंड 10, यानी 3 और 10 के बीच का नंबर्स। नंबर लाइन पे जब दिखाना होगा तो यहाँ पे उसी तरह से एक लाइन खींच लेंगे, 3 से 10 कर देंगे, एक लाइन 3 से 10 के लिए आ जाएगा, और दोनों तरफ सर्कल्स बना के छोड़ देंगे। ठीक है, इसको सेट नहीं करेंगे। तो ओपन इंटरवल का मतलब हो गया कि जो इंटरवल, जो नंबर्स आप लिखे हुए हैं इस इंटरवल में, वो नंबर्स नहीं आएगा, उसके बीच का नंबर्स आएगा। फिर थर्ड है आपको क्लोज्ड ओपन, तो ये आगे क्लोज होगा, पीछे का नंबर ओपन रहेगा, मतलब इसमें ए इंक्लूड होगा बी एक्सक्लूड होगा। ठीक है, ए इंक्लूड होगा बी एक्सक्लूड होगा। इसको लिखेंगे कैसे, तो ये इक्वल भी आएगा इस तरह से, तो इक्वल जहां पे आ रहा है इसका मतलब वो नंबर क्लोज है, इक्वल जहाँ नहीं आ रहा उसका मतलब वो नंबर ओपन है। ड्रॉ करते समय यहाँ भी हम 3 से 10 ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे, और 3 वाला जो पार्ट है, चूंकि ये क्लोज्ड है तो इसको सेड कर देंगे, 10 क्लोज नहीं है तो इसको सेड नहीं करेंगे। फिर फोर्थ होता है, फोर है ओपन क्लोज इंटरवल, तो इसमें आगे ओपन होगा, पीछे वाला जो नंबर है वो क्लोज रहेगा। इसका मतलब ओपन का मतलब ए नहीं आएगा, क्लोज का मतलब बी आएगा, तो ए नहीं आएगा बी आएगा, मतलब ये क्लोज ब्रैकेट में रहेगा। 3 10 का एग्जांपल अगर लें तो 3 इंक्लूड होगा बट, सॉरी 3 एक्सक्लूड होगा बट 10 इंक्लूड होगा। नंबर लाइन पे जब देखेंगे तो यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखेंगे, 3 से 10 एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे सर्कल्स बना लेंगे दोनों तरफ। अब इसमें क्या है, तो इसमें लिख रहा है क्या कि 3 एक्सक्लूड है, यानी 3 वाला जो सर्कल है वो कलर नहीं करेंगे, 10 इंक्लूड है, यानी 10 वाला सर्कल को कलर कर देंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका 4 तरह का इंटरवल्स हो गया। ठीक है, क्लोज, ओपन, क्लोज, देखिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डोमेन रेशनल नंबर्स का किस तरह से फाइंड करेंगे। रेशनल नंबर यानी कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होगा 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन जो आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में है उसमें क्या कंडीशन बनाना है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो नॉट इक्वल 0, इससे हमको मिल जाएगा एक्स नॉट इक्वल 3। तो डोमेन क्या लिखेंगे, तो डोमेन लिखेंगे रियल नंबर एक्सेप्ट, यानी माइनस देकर सेट के ब्रैकेट में 3, जो एक्स नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे आप 3 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। उसी तरह से एक एग्जांपल है सेकेंड नंबर, एफ एक्स इज 1/x² -4,
कंडीशन सेम बनेगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिखा है वो नॉट इक्वल ज़ीरो, ये आपको फोर को लिख सकते हैं हम टू का स्क्वायर, तो ये फैक्टराइज हो गया, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू नॉट इक्वल ज़ीरो, हमको एक्स का वैल्यू मिल गया कि एक्स नॉट इक्वल होना चाहिए माइनस टू टू, तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस टू टू। तो कोई भी क्वेश्चन रहे, जैसे एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बाय बाय में है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स, ठीक है, तो ऊपर मतलब न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा रहे, डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको हम लोग को नॉट इक्वल जीरो कर लेना है, और इसको फैक्टराइज करके हमको, जैसे यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को भी सॉल्व करके आप एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री लिख सकते हैं, तो एक्स का थ्री पॉसिबल वैल्यूज मिल गया हमको जीरो माइनस थ्री थ्री, तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस थ्री जीरो थ्री। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी रहेगा, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी रहेगा तो डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल जीरो कर दीजिए, और उसको एक्स का वैल्यू निकाल लेना है और रियल नंबर से वो माइनस करके लिख देना है। तो इस तरह से आप रेशनल नंबर का डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शंस, जैसे एफ एक्स जो है वो अंडर रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एफ एक्स अंडर रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अंडर रूट में जो लिखा रहेगा वो एक्स का कोई फंक्शन है, मतलब इन टर्म ऑफ एक्स कोई वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगा, कंडीशन बनेगा एम एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो, यानी कि जो एम एक्स का टर्म है वो हमेशा जीरो या उससे बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज अंडर रूट में नहीं आ सकता। अब जैसे इसका डोमेन फाइंड करने के लिए एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, फंक्शन है अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, कंडीशन क्या बनेगा, तो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल जीरो, ये फैक्टर हो गया नाइन, थ्री माइनस एक्स थ्री प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो, इसको अगर हम इक्वल जीरो मान लें इस टर्म को, तो आपके पास एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक थ्री माइनस एक्स इक्वल जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा थ्री, और एक थ्री प्लस एक्स जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा माइनस थ्री। इसके लिए एक साइन स्कीम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इसके लिए एक साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। साइन स्कीम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो साइन स्कीम में एक लाइन ले लेना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो जो वैल्यूज़ यहाँ से हम लोग फाइंड करे हैं माइनस थ्री थ्री वो यहाँ पे पुट कर देना है, फिर कोई भी एक वैल्यू लेकर साइन स्कीम ड्रॉ करना है नाइन माइनस एक्स स्क्वायर जो हम लोग ग्रेटर इक्वल जीरो में लिखे थे उसके लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू कोई भी एक ले लीजिए, ये आप खुद से ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ज़ीरो रखें, ज़ीरो इजी होता है, अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो तो आप ज़ीरो ले सकते हैं, ठीक है, तो ज़ीरो इजी टर्म है इसलिए हम ज़ीरो ले लिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो वैल्यू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर जिसके लिए हम साइंस की ड्रॉ कर रहे हैं उसमें पुट कर लेंगे एक्स के जगह पे, तो हमको मिला नाइन, नाइन पॉजिटिव नंबर है। अब हमको देख लेना है कि मेरे इंटरवल में यहाँ पे कौन 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 सा इंटरवल है तीनों में जिसमें ज़ीरो आता है, तो आप देख सकते हैं माइनस थ्री और थ्री के बीच में ही कहीं पे हमको क्या होगा, ज़ीरो मिलेगा, तो उस इंटरवल को हम साइन दे देंगे पॉजिटिव, ठीक है, उस इंटरवल को साइन दे देंगे पॉजिटिव, बाकी इंटरवल्स को अल्टरनेट साइन लिखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव इस तरह से। अब सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो सॉल्यूशन होगा जो पॉजिटिव इंटरवल होता है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल जीरो जहाँ भी हो वहाँ पे हमेशा आपको लिखना है पॉजिटिव इंटरवल आंसर, और अगर लेस इक्वल जीरो होगा तो नेगेटिव इंटरवल होगा, तो अभी हमको पॉजिटिव इंटरवल लिखना है, पॉजिटिव है कहाँ से कहाँ तक, माइनस थ्री से थ्री तक, ठीक है, पॉजिटिव है माइनस थ्री से थ्री तक, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस थ्री से थ्री, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस थ्री से थ्री। अब ब्रैकेट यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज या ओपन, तो देखना है कि साइन आपका ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे इसका साइन कैसा है, ठीक है, जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसका साइन कैसा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इसका साइन यहाँ पे कैसा है, ये साइन क्या है, ग्रेटर इक्वल जीरो, तो इक्वल जहां पर भी आ जाएगा वहां पर क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन हो गया माइनस थ्री से थ्री क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर,
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो इसके लिए सेम कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट में है तो वो ग्रेटर इक्वल जीरो, उससे हमको एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तो एक्स का वैल्यू मिल गया हमको 2 माइनस टू टू। ठीक है, साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे किसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर के लिए। साइन स्कीम हो गया ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस टू टू। एक्स का वैल्यू फिर यहाँ पे हम जीरो ले लिए, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जीरो ही लेना है, आप कोई भी एक्स का वैल्यू ले सकते हैं। लेने के बाद उस वैल्यू को एक्स स्क्वायर माइनस फोर में पुट कर दिया गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस फोर, तो सॉल्व आ गया हमको माइनस फोर। नेगेटिव वैल्यू है ये, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव होने के कारण जीरो आएगा कहाँ पर, तो जीरो यहीं पर आएगा इसी इंटरवल में। तो इस इंटरवल का साइन दे देंगे हम लोग क्या, नेगेटिव। ठीक है, इस इंटरवल का साइन नेगेटिव, बाकी फिर अल्टरनेट पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हमको सॉल्यूशन लिखना है क्या, पॉजिटिव इंटरवल। पॉजिटिव इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए पॉजिटिव इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। ठीक है, पहला कंडीशन ध्यान क्या रखना है कि इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन। नंबर यहाँ पे हम फिर देखेंगे इक्वल दिया हुआ है तो ये क्लोज। फिर दूसरा एक और पॉजिटिव है टू से इन्फिनिटी, तो एक से ज़्यादा इंटरवल तो बीच में यूनियन का साइन डाल दीजिए, और टू नंबर है तो वो क्लोज ब्रैकेट रहेगा, इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। कंडीशन अभी हम लोग देख रहे थे जो भी रूट में लिखा है वो ग्रेटर इक्वल जीरो, तो पूरा टर्म जो है वो हम लोग ग्रेटर इक्वल जीरो ले लेंगे। इससे हमको एक्स का वैल्यूज मिल जाएगा एक एक, टू थ्री फोर फाइव। साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे इस पूरे के लिए, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव के लिए। नंबर लाइन खींच लिए, ये वैल्यूज लिख लिए, फिर एक्स का कोई वैल्यू लिए, जैसे यहाँ पे हम जीरो लिए, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जीरो यहाँ पे पुट कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो हमको मिल गया 120 सॉल्व करके, ये पॉजिटिव नंबर है। जीरो कहाँ पर आएगा, तो टू के पहले जीरो मिलेगा हमको, तो इस इंटरवल को दे देंगे पॉजिटिव। बाकी इंटरवल्स अल्टरनेट साइन हो जाएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अल्टरनेट साइन लिखने के बाद आपको पता चल गया कौन कौन सा पॉजिटिव है। ठीक है, कौन कौन सा पॉजिटिव है। अब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन होगा जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, तो पहला इंटरवल देखिए ये माइनस इन्फिनिटी से टू पॉजिटिव है, थ्री से फोर पॉजिटिव है, फाइव से इन्फिनिटी पॉजिटिव है। तो इंटरवल क्या हो जाएगा डोमेन का, माइनस इन्फिनिटी से टू, नंबर्स क्लोज ब्रैकेट रखिएगा क्योंकि यहाँ पे हम इक्वल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन, दूसरा इंटरवल थ्री से फोर, नंबर्स जो भी रहेगा सब क्लोज, इन्फिनिटी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। तो थ्री से फोर यूनियन फाइव से इन्फिनिटी, और एक से ज़्यादा इंटरवल रहेगा तो हर इंटरवल के बीच में यूनियन का साइन लिखते जाना है। नेक्स्ट देखिए एक और है अंडर रूट में एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन। यही क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये सॉल्व करके आपको यही चीज़ वापस मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन लगेगा क्या, पहला तो अंडर रूट लिखने के कारण पूरा जो रूट का टर्म है वो ग्रेटर इक्वल जीरो, दूसरा ये पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है तो इसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल जीरो। तो जो जो डोमेन का कंडीशन होता है वो सब हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग दो पढ़े, दोनों इसमें यूज़ हो गया। इसमें कंडीशन कैसे, तो बाय में भी लिखा हो तो एक्स का जो जो पॉसिबल वैल्यूज हो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से वो फाइंड कर लीजिए। ठीक है, फिर साइन स्कीम पूरे फंक्शन के लिए ड्रॉ करेंगे जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर एक नंबर लाइन खींच लेना है, जो वैल्यूज आपके पास मिला हुआ है यहाँ से वो पुट कर लेना है। इसमें कंडीशन ध्यान रखना है कि जो वैल्यू यहाँ से हमको आया, जैसे एक्स नॉट इक्वल मिला फाइव सेवन, तो फाइव सेवन को काट देना है, यानी कि फाइव सेवन नहीं आ सकता। ठीक है, जो भी एक्स नॉट इक्वल है वो यहाँ पे काट देना हमको। अब फिर से हम एक्स का कोई वैल्यू लिए, जैसे यहाँ जीरो लिए तो हमको मिला वैल्यू पॉजिटिव।
पॉजिटिव मिला तो जीरो कहाँ पर है, तो जीरो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उस इंटरवल को दे देंगे क्या हम लोग पॉजिटिव, बाकी फिर अल्टरनेट हो गया। अब आपका आंसर कौन है, आंसर है पॉजिटिव इंटरवल। तो पहला इंटरवल कौन है, माइनस इन्फिनिटी से वन, दूसरा इंटरवल कौन है, थ्री से फाइव। अब देखिए इसमें थ्री तो ठीक है क्लोज, क्योंकि नंबर्स बोले थे क्लोज ब्रैकेट में रखना है, लेकिन जो कटा हुआ है नंबर, जैसे फाइव कटा हुआ है, तो फाइव को ओपन ब्रैकेट रखना है, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। फाइव कट गया मतलब फाइव नहीं आ सकता वहाँ पे, नहीं आ सकता तो क्लोज ब्रैकेट नहीं हो सकता, तो फाइव ओपन ब्रैकेट। फिर जब हम सेवन से इन्फिनिटी लिखेंगे तो सेवन को भी ओपन ब्रैकेट रखेंगे, क्योंकि तो सेवन भी कटा हुआ है, तो जो नॉट इक्वल में आएगा वो ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, जो नॉट इक्वल नहीं है वो क्लोज ब्रैकेट में ही रहेगा, और इन्फिनिटी तो ऑलवेज ओपन ब्रैकेट होता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस देखे आप रेशनल नंबर्स का डोमेन फाइंड करने के लिए, एंड जो आपका स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस है उसका फाइंड करने के लिए, और क्लोज और ओपन इंटरवल का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे जो कुछ और फंक्शंस है उसका डोमेन आप